नमस्कार किसान भाइयों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल दाकर ट्रैक्टर जंक्शन। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसबगोल की फसल के बारे में। बहुत से किसान भाई तो नहीं जानते होंगे, इसबगोल की खेती कुछ इलाकों में की जाती है, जैसे राजस्थान में ये जालौर, सिरोही और चित्तौड़, उदयपुर, भिलवाड़ा के कुछ क्षेत्र आते हैं किसान भाइयों इसमें, जैसे बिजुलिया, मंडलगढ़ हो गया, इन क्षेत्रों में इसकी बुआई की जाती है। और कुछ इलाकों में इसकी खेती नहीं की जाती है, जैसे MP हो गया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, इन राज्यों में इसकी खेती नहीं होती। इसके लिए किसान भाइयों विपरीत मौसम का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा ठंड में ये नहीं होता किसान भाइयों, इसके लिए थोड़ी गर्मी और थोड़ी सर्दी की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किसान भाइयों की इसमें दूसरा पानी कब लगाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इससे पहले किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले और बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाएं। ये किसान भाइयों ये देख सकते हैं आप, हमारी मोटर चल रही है, गांव से आ रहा है पानी, बहुत दूर से आ रहा है किसान भाइयों। इसमें किसान भाइयों इसमें हम पहला पानी इसमें किसान भाइयों लगाया था 10 दिन पहले। तो 10 दिन में किसान भाइयों इसमें एक समस्या ये आती है किसान भाइयों उगने में, अगर ये किसान भाइयों ये सब गोल उग कर बाहर निकल जाए तो ये फसल लगभग आधी हो गई आपके, नहीं तो किसान भाइयों ये खेत खाली भी हो जाता है। खाली होने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता किसान भाइयों, हमारे इधर किसान भाइयों अभी बहुत से जो ज़्यादा जल्दी इसकी बुआई की थी और इसमें कीड़े लगने की 80% से 90% चांसेस इसमें कीड़े लगते हैं किसान भाइयों। कीड़े अगर आपको 10 दिन के अंदर अंदर इसमें दूसरा पानी नहीं लगाया तो किसान भाइयों ये खाकर आपके खेत को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, फिर बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो समय रहते किसान भाइयों आप इसमें दूसरा पानी बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि किसान भाइयों ये कीड़े लगते हैं किसान भाइयों, ये देख सकते हैं ये हमारा इस गोली उग कर एक आंगल ये बड़ा हो गया है। तो अब इसमें समय पर हम पानी लगा देंगे तो जो इसकी नमी रहेगी जिससे कि कीड़े नहीं खाएंगे। अगर ये ज़्यादा सूख जाता है खेत किसान भाइयों तो फिर बाद आपके खेत में किसान भाइयों कीड़े रात रात में काट कर बिल्कुल खा जाएंगे और आपके खेत को भी पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, फिर बाद इसकी खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समय रहते आपको इसमें किसान भाइयों दूसरा पानी लगा देना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे भी जा रहा है दूसरा पानी। फिर बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना किसान भाइयों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये थोड़ा बड़ा होने दे, ये 10 दिन बाद थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें खरपतवार निकल आएगा। जैसे ये पत्तियां किसान भाइयों तो ये सकड़ी पत्ती वाला खरपतवार निकल कर अभी बाहर आ रहा है और इसके साथ में ये किसान भाई ये इसबगोल भी इसके साथ में उग रहा है, तो ये लमसम इतना इतना ऐसा हो जाएगा किसान भाइयों, ये यहाँ तक तीन एक दो इंच तक हो जाएगा। फिर बाद अच्छे से खेत को बहाने दे और फिर बाद इसकी निराई गुड़ाई की जानी चाहिए किसान भाइयों। इसमें दवाई खरपतवार की दवाई नहीं आती है किसान भाइयों, ये ध्यान रखें आप। इसमें किसान भाई एक लहसुन की दवाई आती है जो खरपतवार वाली, इसका छिड़काव किया जाता है, परंतु वो मेरे हिसाब से उसका छिड़काव करना कोई मतलब नहीं है किसान भाइयों। उससे किसान भाइयों ज़्यादा आपका खरपतवार भी नष्ट नहीं होगा और आपकी फसल भी डैमेज हो जाएगी। तो ये आप किसान भाइयों समय रहते आप इसमें दूसरा पानी जरूर लगाए, नहीं तो आपकी किसान भाइयों जिन इलाकों में किसान भाई हैं खेते ये इसबगोल वाले, तो ये ध्यान रखें किसान भाइयों दूसरा पानी समय रहते लगाए। इस साल कीड़े ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि किसान भाइयों इस साल बारिश नहीं है और खेतों में नमी नहीं है, तो किसान भाई खेत सूखे पड़े हुए हैं तो कीट ज़्यादा लग रहे हैं। तो आप समय रहते पानी लगाए और अपनी फसल को बचाए। तो वीडियो कैसी लगी किसान भाइयों आपको, अगर इसी प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल से प्राप्त होती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।